सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइट विजिट। तो आज फिर मैं आपको एक ग्रैंड प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ जो कि ओमेक्स के फेस वन में होगा, जो कि ऑलरेडी एक पॉश एरिया है जहाँ पे हाई क्लास लिविंग रहेगी। तो इसकी अगर मैं लोकेशन की बात अभी जस्ट की कि ओमेक्स फेस वन न्यू चंडीगढ़ में रहेगा, अगर इसकी कनेक्टिविटीज़ की बात करूँ तो नियर टू PGI PR7 एयरपोर्ट रोड पे जो है हमारा ओमेक्स फेस वन रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दक्षिण मार्ग की कनेक्टिविटीज़ की, जो कि चंडीगढ़ की मेन दिल्ली हाईवे की, तो वो भी नियर बाइज रहेंगी। तो अब मैं बात करती हूँ आज की वीडियो के बारे में। तो आज मैं आपको प्रेजेंट करने वाली हूँ 3 BHK का एक काफ़ी अच्छा फ्लैट। इसकी साइज़ रहेगा 1685 स्क्वायर फीट। तो ये इसका एलिवेशन रहेगा जो कि G+2 के साथ रहेगा। तो एक एक्चुअल फ्लैट रहेगा दोस्तों ये, जहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर पे हम इन्वेंट्री मिल जाएगी 3 BHK फ्लैट की, जिसमें 3 bedroom 2 washrooms रहेंगे। तो एक प्राइम लोकेशन है। अब मैं बात करूँ ओमेक्स फेस वन की, तो काफ़ी अमेनिटीज जो कि एक फैमिली को चाहिए होती है। फुली डेवलप्ड एरिया रहेगा, रनिंग आपका क्लब हाउस रहेगा, नियर बाय आपकी फुली डेवलप्ड कमर्शियल मार्केट रहेगी। ओमेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 2500 प्लस फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। तो एक बेस्ट लोकेशन रहेगी, एक अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ आपको 3 BHK का रेडी टू मूव फ्लैट यहाँ पे जो है मिल जाएगा। सो हम चलते हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने एक्चुअल फ्लैट की लोकेशन पे। तो एज इट इज जो है वुडन डोर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स विजिट द फ्लैट। सो फ्रेंड्स, एंटर करते ही हमारा सबसे पहले आ जाता है ड्राइंग एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आराम से आप 7 to 8 seater सोफ़ा सेट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी यहाँ पे आपको। अगर मैं लेंथ की भी बात करूँ तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे लेंथ मिल रही है, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेजरली इसकी जो फ्लैट की USP रहेगी वो इसका स्पेस रहने वाला है। तो अगर मैं फ्लोरिंग पे देख बताऊँ आपको, तो सारी प्रीमियम विट्री-फाई टाइल्स का यूज़ किया गया है। AC की डक्टिंग की हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी है, आपको सिर्फ AC ला के इंस्टॉल करना है। एंड एक प्राइवेट बालकनी आपको जो है आपके ड्राइंग एरिया के साथ मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं विंडोज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ताकि आपको वेंटिलेशन सनलाइट बनी रहे। सो दिस इज द बालकनी। तो फ्रेंड्स, एक अच्छी लेंथ में जो है आपको ड्राइंग रूम के साथ बालकनी मिल रही है। आप सामने देख सकते हैं कितनी अच्छा व्यू यहाँ से आपको आएगा। द बेस्ट पार्ट इज कि एक प्राइवेट चीज़ जो है आपको ड्राइंग एरिया के साथ मिल रही है, वेंटिलेशन की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड इसी के एडजॉइनिंग रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डाइनिंग एरिया रहेगा। अगर मैं इसकी भी स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ मिल जाएगी। 7 to 8 seater डाइनिंग सेट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड अपने घर को जो है काफ़ी अच्छे इंटीरियर के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगी कि जो स्पेस आपको मिल रही है वो काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है, एक अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ आपको एक बहुत बड़ा आपका मन पसंदीदा आपको घर मिल जाएगा। एंड इसके अलावा इसकी जो USP रहेगी वो इसकी लोकेशन है। ओमेक्स फेस वन में आपको जो है आपका ड्रीम हाउस यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप सबने ओमेक्स फेस वन के बारे में तो सुना ही है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया। इसी के एडजॉइनिंग रहेगी हमारी किचन। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको मिल जाएगी। एज इट इज़ मॉड्यूलर किचन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी कैबिनेट्स ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं। ड्यूल सिंक रहेगी, आपको विंडो भी यहाँ पे मिल रही है किचन में, ताकि वेंटिलेशन जो है बनी रहे। इसके साथ अटैच्ड आपकी बालकनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये आपकी बालकनी रहेगी जो कि अटैच रहेगी आपकी किचन के साथ एंड आपके बेडरूम के साथ। एक अच्छी लेंथ में आपको बालकनी मिल जाएगी। आप सामने देख सकते हैं फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं। प्रॉपरली डेवलप्ड एरिया है, आपका वॉशिंग एरिया भी ये होगा यहाँ पे। आपको टैप प्रोवाइड की गई है। एक अच्छे स्पेस में, एक अच्छी लेंथ में आपको जो है किचन एंड बेडरूम के साथ बालकनी मिल रही है। सो अगर मैं किचन की ही बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको गैस पाइपलाइन यहाँ पे मिल रही है, आप देख सकते हैं। एक अच्छी स्पेस आपको रेफ्रिजरेटर की यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप अच्छे से रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड किचन के बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में, जो कि किचन के साथ ही एडजॉइनिंग रहेगा। इसकी एंट्री यहाँ से रहेगी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा।
इसकी जो फ्लोरिंग है एज इट इज जो आप देख रहे हैं वुडन फ्लोरिंग आपको मिलने वाली है। काफ़ी अच्छे स्पेस में जो है ये भी आपको रूम मिल जाएगा। आफ्टर बेड भी जो है आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। इस रूम में भी जो है आपको एसी की डक्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम। एंड जो मैंने आपको बताया किचन के साथ ही अटैच्ड इसकी बालकनी रहेगी, कॉमन बालकनी होगी हमारी किचन एंड बेडरूम की। विंडोज आप देख सकते हैं फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट के लिए आपको प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ अटैच रहेगा आपका वॉशरूम। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे स्पेस में जो है आपको वॉशरूम मिल रहा है। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स आप देख रहे हैं सारी आपको ब्रांडेड मिलने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, एक फैमिली को कितनी अमेनिटीज चाहिए होती हैं, लाइक पार्क डेवलप रहे, फैमिलीज रहे, आपको हर चीज जिस सोसाइटी में जो है मिल जाएगी। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ रह रही हैं, पार्क्स मेंटेन रहेंगे, क्लब हाउस रनिंग है। द बेस्ट पार्ट इज प्राइम लोकेशन जो है आपके घर की ये रहने वाली है। सो हम देखते हैं अपना सेकेंड बेडरूम। तो दोस्तों, आप साइज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्पेशियस जो है आपको आपका सेकेंड बेडरूम भी यहाँ पे मिल रहा है। एक प्लस एडवांटेज आपकी ये रहेगी कि आपके हर रूम स्पेशियस रहेंगे। आपको कबर्ड्स का भी अगर मैं बात करूँ तो अच्छी स्पेस मिल रही है यहाँ पे, आप कबर्ड्स भी अच्छे से इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको डक्टिंग हम ऑलरेडी करके दे रहे हैं। इसके साथ भी आपको एक अटैच्ड बालकनी मिल रही है एंड विंडोज भी आपको प्रोवाइड की गई है। सो आप देख सकते हैं आपको बालकनी मिल रही है ताकि वेंटिलेशन बनी रहे, प्राइवेसी मेंटेन रहे। एंड गाइस, इसी के साथ आपका अटैच रहेगा वॉशरूम। सो गाइस, ये आपका सेकेंड वॉशरूम रहेगा। अगेन इसकी लुक्स में अगर बात करूँ, काफ़ी अच्छी लुक्स रहेंगी, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको वॉशरूम में भी मिल रहा है। जितनी भी सैनिटरी फिटिंग्स आप देख रहे हैं वो सारी ब्रांडेड आपको मिलेंगी। एंड इसमें विंडो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सनलाइट वेंटिलेशन बनी रहे। ये कॉमन वॉशरूम रहेगा आपके बेडरूम 2 एंड बेडरूम 3 का। सो अब हम आ चुके हैं अपने बेडरूम 3 में, जिसके अगेन मैं स्पेस की बात करूँ तो एक ह्यूज स्पेस आपको मिल जाएगी। तीनों बेडरूम में जो है लगभग सेम स्पेस रहेगी एंड काफ़ी अच्छा स्पेशियस आपको आपका बेडरूम मिल जाएगा। इसमें आप इनबिल्ट जो वार्डरोब देख रहे हैं वॉल टू वॉल एज इट इज जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एंड इसी के साथ एंड फ्रेंड्स, इसमें हम आपको जो है विंडोज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सनलाइट एंड वेंटिलेशन जो है बनी रहे। एसी की डक्टिंग जो है आपको इस बेडरूम में भी मिलने वाली है। सो एक ओवरऑल जो आपको घर मिलेगा वो काफ़ी अच्छी फिटिंग्स के साथ, काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ जो है मिल जाएगा। वेंटिलेशन की भी हमने प्रॉपरली यहाँ पे ध्यान रखा गया है। हर रूम में, हर एरिया में आपको विंडोज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक अच्छी लोकेशन रहेगी, मैं अगेन आपको बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, लोकेशन जो है काफ़ी पॉश रहेगी। सारी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, रनिंग आपका क्लब हाउस रहेगा। काफ़ी पॉश एरिया है ओमेक्स फेस 1, जिसपे हम आपको प्रोवाइड करेंगे 1685 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट, काफ़ी स्पेशियस, एक प्रीमियम लोकेशन पे। सो गाइस, अगर कोई भी इंक्वायरी है आपको तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए एंड जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए। थैंक यू।